Hello everyone, I am Ramesh Pal and you are watching your favorite YouTube channel Divya Gyan Ganga। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कुछ फ्रेसेज होते हैं जिनमें अक्सर हम अटकते हैं या बोलने में कठिनाई आती है, जैसे वैसे तो वह मेरा मित्र है, वैसे ही वह यहाँ आया है, वैसे भी मैं आपका काम करने वाला हूँ। इस तरह के सेंटेंसेज के लिए हम कैसे बोलेंगे अंग्रेज़ी में, इसमें देखेंगे वीडियो में। दोस्तों अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले हम वैसे तो का सेंस क्लियर करते हैं। वैसे तो, जैसे इसका उदाहरण दे सकते हैं, वैसे तो मैंने भोजन कर लिया है, वैसे तो यह किताब मेरी है, वैसे तो मैं राम से मिल चुका हूँ। दोस्तों वैसे तो के लिए हम बाई द वे का प्रयोग करते हैं। बाई द वे का सेंस होता है जब कोई कार्य पहले हुआ हो पर फिर करना पड़े, तब वहाँ पर हम बाई द वे का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कि वैसे तो मैंने भोजन कर लिया, इसकी अंग्रेजी में कहेंगे हम बाई द वे आई हैव टेकन माई मील। वैसे तो यह किताब मेरी है, वैसे तो यह किताब मेरी, इसको कहेंगे अंग्रेजी में बाई द वे दिस इज़ माई बुक। वैसे तो मैं राम से मिल चुका हूँ, इसे कहेंगे बाई द वे आई हैव मेट विद राम। अब हम देखते हैं अगला फ्रेसेज वैसे ही के लिए हम जस्ट लाइक दैट का प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कार दूसरे कार जैसा हो या व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा हो, तब करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सेंटेंस, उसके बाद जस्ट लाइक दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देखते हैं कि मैंने इस किताब को वैसे ही पढ़ा था। इसको हम अंग्रेज़ी में जब कहेंगे तो इसको कहेंगे आई रेड दिस बुक जस्ट लाइक दैट। मैंने अपने इस मित्र को वैसे ही निमंत्रित किया था। इसको अंग्रेज़ी में हम कहेंगे आई इन्वाइटेड माई दिस फ्रेंड जस्ट लाइक दैट। वैसे ही के लिए भी लाइक दैट का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण देख सकते हैं कि मोहन वैसे ही है, राम वैसे ही है, मैं वैसे ही हूँ, या यह कार तो वैसे ही है। इसके लिए हम ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे कि मोहन तो वैसे ही है, इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि मोहन इज लाइक दैट। यहाँ केवल लाइक दैट का प्रयोग करेंगे, मैं ऐसा ही हूँ। क्या ट्रांसलेशन करेंगे इसको, आई एम लाइक दैट। इसके बाद हम अगला फ्रेसेज देखते हैं वैसे भी के लिए एनी बी का प्रयोग करते हैं, और एनी बी के बाद सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जो सेंटेंस लिखते हैं इसके हम उदाहरण देख सकते हैं कि मुझे तो आपको वैसे ही फ़ोन करना था, इसे ट्रांसलेशन करेंगे एनी वे आई हैड टू कॉल यू। क्या ट्रांसलेशन होगा, एनी वे आई हैड टू कॉल यू। राम को यहाँ वैसे भी आना था, तो इसको अंग्रेज़ी में कहेंगे एनी वे राम हैड टू कम हियर। तो दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक की बटन दबा दें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो आपको कैसी लगी है इसको अवश्य लिखें। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग एट लास्ट।